मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th के बच्चों का आज के इस लेक्चर में हार्दिक स्वागत है। देखिए, ये एक ओरिजिनल मॉडल पेपर है डियर स्टूडेंट्स, ओरिजिनल पेपर जो आपका हुआ है अभी हाल ही में 2022 का। ये पेपर है गणित का 822 भी जो सेट था यही है ये पेपर। देखिए यहाँ पर जो मिला है आप लोग को 3 घंटे 15 मिनट का समय और पूर्णांक 70 होता है। देखिए गणित ही एक ऐसा विषय होता है जिसमें कि हमेशा ही समय लोगों का घट जाता है, ठीक ना। तो बिल्कुल भी नहीं घटेगा डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग सही से अगर अच्छे से पेपर की तैयारी करेंगे अच्छे से तो बिल्कुल भी समय नहीं घटेगा। गणित भी अपने आप में बहुत ही मनोरंजन वाला विषय है, बहुत ही आनंददायक विषय है, थोड़ा सा यदि आप लोग सीरियस हो जाए तो। दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या कौन सी है, ठीक है। सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया आप लोगों से, समीकरण 3x² - 2x + 1/3 = 0 का विविध कर ज्ञात कीजिए। देखिए डिस्क्रिमिनेंट जो निकालना होता है, d² = b² - 4ac क्या होता है, b² - 4ac वाला जो बात है डिस्क्रिमिनेंट निकालने वाला करंट जो रहता है, तो वहाँ पर वैल्यू लिख के निकालना होगा आपको। ऑलरेडी देखिए मैंने क्लास 10th के बच्चों के लिए बहुत ही मोस्ट में देखिए त्रिकोणमिति को तो बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, त्रिकोणमिति से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है और जो है 15 से 18 नंबर क्वेश्चन जो है केवल त्रिकोणमिति से पूछा जाता है। त्रिकोणमिति को मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट अपने लगभग लेक्चर दिए 8-10, उसको जाकर देखिए। साइन ए का मान दिया 3/5, तो कॉस ए का मान क्या होगा, ठीक है। इसको सीधा सीधा है कर सकते हैं एकदम आसानी से, आप राइट एंगल ट्रायंगल को बना लीजिए एक, जैसे राइट एंगल ट्रायंगल हो गया आपका, ये साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटे करोड़ होता है, तो लंब कितना हो जाएगा आपका 3 दिया गया है, 5 दिया गया है। अब इसको आप निकालेंगे बेस को पहले, तो ये बेस निकालेंगे तो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, ये 4 आएगा, 5 3 4 बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। देखिए 4 तो 4 आ गया आपका, तो यहाँ कॉस ए बराबर क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, यानी कि जो आधार बटे में करोड़ होता है, तो यह 4/5 में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 4/5 होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। देखिए डियर यहाँ पर घर जो प्रश्न दिया गया, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल के 49 के अनुपात में त्रिभुज की भुजाओं को अनुपात क्या होगा। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो स्क्वायर होता है यहाँ पर, तो ये डिस्टेंस हो जाता है ए बी का स्क्वायर बटे बी से बी सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा क्षेत्रफल का स्क्वायर बटे इसका स्क्वायर, तो उसके अकॉर्डिंग पर देखिए फॉर्मूला है उसके बेस पर इशू करना हम लोग को। अब देखिए 3, 4, 6 और यश का समांतर माध्य 5 दिया गया है ना, पदों का योग बटे पदों की संख्या वाले सवाल पर है ये, समांतर माध्य दे दिया है, समांतर माध्य बराबर क्या होता है पदों का योग बटे पदों की कुल संख्या हो गई। तो हल करके लिए उसे इसको बस थोड़ा सा निकालना है, दो बिंदुओं 2, 3 और 4 एक के बीच की दूरी निकालनी है, ठीक है। रूट के अंदर जो फार्मूला होता है रूट वाला फार्मूला, रूट के अंदर क्या x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, मैं पूरा अच्छे से बात करूंगा डिस्कस आपके साथ, लेकिन फिलहाल मैं जो आपको मॉडल पेपर दिखा रहा हूँ यहाँ पर उसको देख लीजिए, एकदम सीधा पेपर है, समझ लीजिए पूरा आपका ये तो 6 नंबर पूरा कवर हो गया। अब देखिए सभी खंड कीजिए, एक एक नंबर का है ये। यदि द्विघात समीकरण का 1√3 है तो k का मान ज्ञात कीजिए, k का मान निकालना है, 1√3 दिया है तो 3 को ले जाके सीधे रख दीजिए डायरेक्ट, बस k का मान निकल के चला आएगा सीधा सीधा। एक नंबर में इससे ज़्यादा क्या करेंगे आप, खा में जो दिया गया 2 tan 30/1 + tan²30 = का मान ज्ञात कीजिए, ये भी सीधा सीधा है डिवर्सेंस फार्मूले, अगर ज़्यादा एडवांस वाला फार्मूला तो ठीक है, नहीं तो 10-30 का मान रख के हल कर लीजिए इसको ना। देखिए समरूप त्रिभुज इनकी संयुक्त भुजाओं में अनुपात ज्ञात कीजिए, देखिए डिवर्सेंस यहाँ पर जो सवाल था देखिए घ वाला, देखिए बहुविकल्पी जो होता है और अति लघु जो होता है उन दोनों में ज़्यादा कोई अंतर नहीं होता है। देखिए घ जो हो गया और यहाँ पर देखिए सवाल, ये घ जो सवाल है कितना आसानी से एक ही चीज़ दोनों देखिए सेट करने वाला जो है सेट किया हुआ है ना। बात देखिए समांतर माध्यम पर फिर एक सवाल आया आपको यहाँ पर, समांतर माध्यम वाला बहुलक बहुलक समांतर माध्यम माधिका ये सारा भी चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी प्रश्न पूछता रहता है। अभाज्य गुणनखंड विधि से देखिए 96 और 404 का HCF और LCM ज्ञात कीजिए, जो बताया गया आप लोगों को उसको देख लीजिएगा। ख जो प्रश्न देखिए डिस्टेंस दिया गया परिमित रूप से अनेक हल होंगे, इनको देखिए के का मान निकालना है। घ जो प्रश्न है वो त्रिभुज पर है, प्रूफ करना है इस चीज़ को। घ जो एक बेलन के आधार की त्रिज्या दिया गया, ऊंचाई दिया, बेलन का वक्र पृष्ठ और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए ना। ये देखिए HCF दिया गया और LCM को निकालना है हम लोग को ना, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम वाला जो था फार्मूला उसको देख लेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा अच्छे से। ये भी देखिए देखिए बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, कॉस साइन 3 = cos a - 26। प्रश्नों को देख लीजिए कमेंट बॉक्स में, उसका जवाब दीजिए अपना, जैसा आपका फीडबैक मिलेगा भाई पूरा फेस पर के थ्रू मैं आप लोग को ब्लैक बोर्ड पर अच्छे से पूरा सॉल्यूशन भी कराऊंगा, लेकिन उसके लिए आप लोगों को भी थोड़ा जागरूक रहने की जरूरत है, कमेंट बॉक्स के साथ सतर्क रहिए। और जो मैंने नंबर दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, देखिए 950-690-275 नाम का नंबर, उस नंबर से भी आप हमें अपना जो समस्या उससे अवगत करा सकते हैं, मैं पूरा आप लोग को इसका जो हल है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं नियमित तौर पर आपको उपलब्ध करा दूंगा। घ प्रश्न देखिए ऊंचाई दूरी का है, घ प्रश्न देखिए रेखाखंड खींचना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है माप वाला जो है सवाल रचना वाले चैप्टर से। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका जो 27 गुणनखंड गुणनफल 182 है, 182 है
ये देखिए प्रूफ प्रूफ करने का एक आपका अंतरखंड है, पी लंबाई वाला जो है, सरल रेखा वाला चैप्टर की बात हो गई। लंबवृत्ति शंकु के देखिए बात किया जा रहा है यहाँ पर, शंकु से रिलेटेड सवाल है। अब देखिए ऐसा तो जानते हैं कि आप लोग को मिलता है हमेशा बारंबारता वाले पर सवाल, माधिका हो गया, माध हो गया, बहुलोक पर हो गया, सब ऐसा नहीं है कुछ कठिन पूछा है, सब सवालों को आप जानते हैं, सब पढ़ा हुआ चीज़ें ही पूछा गया है। दो क्रमागत धनात्मक संख्याओं के वर्गों का युग्मक इतना है, संख्याएं याद कीजिए। अब देखिए इस डायग्राम पर भी इस रिलेटेड सवाल जरूर पूछता है, और रचना करना है देखिए त्रिभुज का, यहाँ 5-6-7 सेंटीमीटर हो जाएगा त्रिभुज की रचना। ये रचना को मैं डिस्कस आप लोग को बता दूंगा अच्छे से आप लोग को, ताकि आप लोग आसानी से समझ लीजिए इन सही प्रश्नों को, आप अच्छे से गेस कर लीजिए। कुछ भी नहीं पड़ता है, थोड़ा सा अगर वो सीरियस डायग्राम से सब पढ़ लेगा, ये सब तो पटा, ये सब तो सभी लोग कर सकते हैं। माध्यमाधिका बहुलक अगर आप खाली अच्छे से तैयार कर लिए तब समझ लीजिए आपको 10 नंबर 15 नंबर तो वही दे दिया। कितना आसान है पढ़ाई पहले की अपेक्षा, लेकिन आप लोग अभी भी नहीं पढ़ते हैं, अभी भी लापरवाही करते हैं। देखिए क जो दिया गया सभी खंड क्या है अनिवार्य प्रश्न सातवें का, तो इसमें देखिए क्वेश्चन ये प्रश्न है 1/(x-1)/(y-2)। तो ये मानना होता है यहाँ पर ना, सपोज कर लेंगे पहले तो इसको सिंपल बना लीजिए, फिर सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करने के बाद फिर कर लीजिए इसको। अब देखिए ये ऊपर वाला तो आसान पड़ेगा मुझे, ये जो नीचे है आपका ये ज्यादातर में जो स्टेटमेंट कथन दे दिया था तो उसमें समीकरण बनाने में दिक्कत होती है, तो उससे बेहतर है ऊपर बना बनाया मिल रहा है उसी कर लीजिए, ठीक ना। ये जो मिलता है आप लोग को तो वहाँ पर इन सभी चीज़ों को ध्यान देना चाहिए कि हाँ वास्तव में क्या चीज़ें हैं कैसी हैं। अब देखिए ये जो प्रश्न हम लोग का अंतिम है, ये ऊंचाई और दूरी कहा गया, फिर सवाल एक को हाइट एंड डिस्टेंस का, हाइट एंड डिस्टेंस का केवल दो ही फॉर्मूला अगर आपको अच्छे से याद है, कॉस और टेन और कॉट का। टेन बराबर क्या होता है, टेन बराबर लंबटे कर्ण होता है, लंबटे आधार होता है, और कॉट बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब होता है, लंबटे आधार, आधार बटे लंब। दो फार्मूले बेस हैं, दो फार्मूले पर बेस पूरा मैक्सिमम समझ लीजिए आप 70-75% का जो ऊंचाई दूरी का सवाल होगा वो टेन कॉट पर ही साफ हो जाएगा, उसके अलावा थोड़े बचते हैं तो कॉस साइन भी थोड़ा सा इंक्लूड होता है, नहीं तो एकदम ईजी है, ठीक है। क्वेश्चंस बिल्कुल भी कठिन नहीं है, ऐसे देखिए इंग्लिश वर्जन के बच्चों का पेपर रहता है ना, इंग्लिश वर्जन के बच्चे जो हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जब तक आप क्वेश्चंस अपना जवाब नहीं देंगे तब तक हम लोग बेहतर तरीके से आपके का आपके लिए कुछ करने का या आपके लिए और बेहतर करने का तब तक मज़ा नहीं आएगा। जब आप लोग का भी रिस्पॉन्स मिलेगा तो हाँ समझ में आएगा कि हाँ हमारे क्वेश्चंस उनको वास्तव में समस्याएँ हैं, दिक्कतें हैं, और वो सॉल्यूशन इसका चाहते हैं। तो क्वेश्चंस इतना काम जरूर कीजिए, कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दीजिए, तब मैं आप लोगों को जो है इसका सोल्यूशन जो है वो भी फटाफट उपलब्ध जरूर कराऊंगा। इसके अलावा मैथमेटिक्स के मैंने लेक्चर बना रखे हैं, डिविजन आप जाकर देखिए 10-15 मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर हैं, वो सब उन सबको जरूर देखिए। सब में मैंने सोल्यूशन भी कराया हुआ, त्रिकोणमिति को अच्छे से कवर किया हुआ है, और ये जो आपका है पहला जो चैप्टर है वो भी है रियल नंबर्स वाला चैप्टर है। नियमित तौर पर आपके साथ बातें होंगी डिविजन, तो रेगुलरली क्लास भी आप लोग को मिलेंगी शाम को 6-9 बजे के बीच में, रेडी रखें कभी भी नोटिफिकेशन मेरे को ऑन कर रखिए, और इसे खुद भी शेयर करिए नंबर जो मैंने बताया उसको दूसरों को भी शेयर कीजिए, ताकि आप तो लाभान्वित होंगे इससे दूसरे बच्चे भी लाभान्वित हो सके। तो डियर स्टूडेंट्स इसे शेयर जरूर कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका हृदय से विनम्रतापूर्वक धन्यवाद।